हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए बिहार इंटर स्तरीय जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन। जितना हमको मिला, मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने हमको ईमेल किया और क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, तो आप लोग देख लीजिए कि जैसे कि लेवल क्या है एग्ज़ाम का, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। खासकर 9 और 10 को जिन स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम है वो देख लें कि लेवल क्या रह रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन रह रहा है। तो बस आप ही के लिए ये वीडियो है। 9 10 जितना भी एग्ज़ाम है अभी आप लोग का, 9 10 उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो लाऊं नहीं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन जितना पूछा गया लगभग उतना हम जितना मिला हमको उतना लाया हूँ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शोल्डर किससे किसके मिश्रण से बनता है। शोल्डर किसके मिश्रण से बनता है, शोल्डर किसके मिश्रण से बनता है, इस टाइप का एगो साइंस क्वेश्चन था। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन था बेकिंग सोडा का, बेकिंग सोडा किस रूप में प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा किस रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मुखिया किसको त्यागपत्र देता है, मुखिया किसको त्यागपत्र देता है। चार नंबर क्वेश्चन है पंचायत समिति किसको त्यागपत्र देता है। ये देखिए, मुखिया पंचायत जिसे बिहार का एग्जाम है तो बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो हो सके तो बस देख लीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी। देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन था दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। सिक्स नंबर क्वेश्चन था कुतुब मीनार निर्माण कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया था। अब फ्रेंड्स, ये 100% पूरा ऑथेंटिक है, मतलब कि एकदम 100% सही पेपर है। जो भी क्वेश्चन अभी मतलब लाया हूँ मैं, आप क्वेश्चन मिले तो आप लोग देख सकते हैं उससे। सात नंबर देखिए क्वेश्चन था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश कब लागू हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति का सिफारिश कब लागू हुआ था। देखिए, आठ नंबर क्वेश्चन था मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुआ था, मिजोरम राज्य की स्थापना कब हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन था मोरक्को की राजधानी कहाँ है, मोरक्को की राजधानी कहाँ है। 10 नंबर क्वेश्चन था बिहार शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था, बिहार शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है वायु के प्रदूषण का कारण क्या है, वायु के प्रदूषण का कारण क्या है। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए सुई जल पर किस कारण तैरता है, सुई जल पर किस कारण तैरता है। 13 नंबर क्वेश्चन है बादल से वर्षा पृथ्वी पर धीरे धीरे क्यों गिरता है, बादल से वर्षा पृथ्वी पर धीरे धीरे क्यों गिरता है। यह 14 नंबर क्वेश्चन देखिए अगर आधी महिला यदि अंधी महिला एक सड़क पार कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए, इस टाइप का भी प्रश्न देखने को मिले हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जहाँ तक बात है मैथ रीजनिंग की, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही मतलब कि इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन रीजनिंग का और मैथ का, बहुत मतलब आसान था, आप लोग से बन जाएगा। अब ये थोड़ा मॉडरेट पूछा था जीके जीएस में, थोड़ा सा लो लेवल ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही क्वेश्चन का ले गया था। तो यहाँ देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन था जल मंदिर कहाँ पर है, जल मंदिर से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर 16 नंबर देखिए गरबा का संबंध गुजरात से है, गरबा का संबंध गुजरात से है तो बिहार का संबंध किससे है। ये डांस ग्रुप से था, मतलब कि गरबा का जो फेवरेट है वो गुजरात का जो है, गरबा गरबा जो डांस है गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बिहार का संबंध किससे है। ऑप्शन दिया होगा आपको, वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन देखिए व्यास सम्मान 2017 किसे मिला था, सम्मान जो 2017 मिला था ये भी सब पूछा, 2017 से करंट बहुत ज़्यादा पूछा गया था। देखिए यहाँ पर 18 है तो मान बुकर पुरस्कार 2017 किसको मिला था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए सरस्वती सम्मान 2017 किसे मिला था, 2017 का जितना भी लगभग सम्मान है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देख लीजिएगा उसको, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर भी 17 17 17 बहुत ज़्यादा 17 से पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है, आप लोग देख लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर में कितने हड्डी हैं, मानव शरीर में कितने हड्डी हैं। यहाँ पर देखिए 22 नंबर प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ है, प्रतिरक्षा संस्थान कहाँ है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए महलों का शहर किसे कहा जाता है, महलों का शहर किसे कहा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। आशा का धातु, 25 नंबर क्वेश्चन आशा का धातु किसे कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, अभी बाकी है। यहाँ पर देखिए
26 नंबर क्वेश्चन था, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन था, हेराडोमर मॉडल जो कि पंच किस कौन सा कौन पंचवर्षीय योजना पर आधारित था, मतलब कि 1 2 3 4 5 12 पंचवर्षीय हुई ना हुए थे ना, उसमें से किस पर आधारित था, तो आप लोग को ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे चूज कर लीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन था, प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है। 31 नंबर क्वेश्चन, वन्य जीव अनुसंधान संस्थान कहाँ है। 32 नंबर क्वेश्चन था, बिहार के होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन था, जमे ग्लेशियर कहाँ है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था, बिहार सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था। चौंतीस नंबर क्वेश्चन था, बिहार सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन था, वस्त्र विनिमय की राजधानी कहाँ है। 36 नंबर क्वेश्चन था, आज़ाद हिंद फौज की के कौन महिला शासिका थी। यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन था, कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य है, मतलब कि कौन तरंग जो है अनुदैर्ध्य है। तो ये कुछ क्वेश्चन था फ्रेंड जो आज हमको मिला, आपके सामने रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा गया था। खास करके 9 10 जिनको भी एग्ज़ाम है वो लोग देख लीजिए, और तैयारी में अपने अच्छा से हो ही गया होगा, और अच्छा से कीजिए, और मैथ रीजनिंग का टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथ रीजनिंग से, तो आप लोग कर सकते हैं उसको। तो चलिए फ्रेंड्स, यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे अगर सेकंड थर्ड शिफ्ट का जो मिले हमको पेपर, तुरंत मैं लाऊंगा आप लोग के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।